और यूपी में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कानपुर में भी तीसरे चरण में ही 20 फरवरी को वोटिंग होने वाली है। ऐसे में यहां के वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। आज बीजेपी की ओर से गृहमंत्री अमित शाह पदयात्रा करके जनसंपर्क करेंगे तो समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव कानपुर में रैली करेंगे। कानपुर में आज अखिलेश यादव दिखाएंगे अपनी सियासी ताकत तो जवाब में बीजेपी की ओर से गृहमंत्री अमित शाह का कानपुर की सड़क पर दिखेगा जलवा। यूपी के महादंगल में आज कानपुर में सत्ता के दो दावेदार यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी दिखाएंगी अपनी सियासी ताकत। कानपुर के दंगल में आज अखिलेश यादव और अमित शाह आमने सामने हैं। पहले अखिलेश यादव रैली करके अपनी सियासी ताकत दिखाएंगे तो उसके कुछ देर बाद ही अमित शाह कानपुर की सड़क पर पदयात्रा कर वोटरों को बीजेपी के पक्ष में रिझाने की कोशिश करेंगे। चुनाव प्रचार के क्रम में अखिलेश यादव आज कानपुर सिटी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद अखिलेश यादव यहां 2:30 बजे रैली में भाग लेंगे। वहीं बीजेपी की ओर से अमित शाह 4 बजे कानपुर के खोया मंडी में सीसा मऊ तक पदयात्रा करेंगे। इसके बाद शाम 4:15 बजे कानपुर में ही गणेश मंदिर घंटाघर से आर्य नगर तक पदयात्रा करेंगे। अमित शाह पदयात्रा के जरिए यहां के वोटर से संपर्क करेंगे। कानपुर आमतौर पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1991 से लेकर 2019 तक 8 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां से 5 बार जीत चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को यहां बड़ी कामयाबी मिली थी। कानपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। 2017 की विधानसभा चुनाव में 7 पर बीजेपी को कामयाबी मिली थी। 2 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी जबकि 1 सीट कांग्रेस जीतने में सफल रही थी। इस बार भी बीजेपी 2017 वाली सफलता को दोहराने की कोशिश में है जबकि समाजवादी पार्टी का इरादा बीजेपी के इस गढ़ में बड़ी सेंध लगाने का है। यही कारण है कि दोनों दलों की ओर से अमित शाह और अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नेता आज यहां चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। कानपुर में रैली करने के अलावा अखिलेश यादव आज 11:30 बजे रायबरेली में, 12:30 बजे फतेहपुर में और 3:30 बजे उन्नाव में रैली करेंगे। अमित शाह आज कानपुर में पदयात्रा के अलावा 12:00 बजे औरैया और 2 बजे मैनपुरी में सभा करेंगे। यूपी में 2 चरणों की वोटिंग के बाद अब सभी दलों की निगाहें 20 और 23 फरवरी को होने वाले तीसरे और चौथे चरण के चुनाव पर टिक गई हैं। और इसके लिए हर दल के कार्यकर्ता के साथ ही दिग्गज नेताओं ने भी अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। और तीसरे चरण के रण की तैयारी में सीएम योगी जुट गए हैं। कासगंज, इटावा, कन्नौज और फिरोजाबाद का दौरा कर कई जनसभा में शिरकत करेंगे। सुबह 11:20 पर सोरो मेला ग्राउंड कासगंज में जनसभा में शिरकत करेंगे और उसके बाद 12:30 बजे गिरधारी इंटर कॉलेज सिरसागंज फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 1:30 बजे आरएम इंटर कॉलेज टूंडला फिरोजाबाद में जनसभा में शिरकत करेंगे। 2:40 पर रामलीला मैदान इटावा में जनसभा करेंगे और 4 बजे के इंटर कॉलेज बोर्डिंग ग्राउंड कन्नौज में जनसभा को संबोधित करेंगे। लखनऊ की हॉट सीट सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं। स्वाति सिंह का टिकट काटकर राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। राजेश्वर सिंह चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं और राजेश्वर सिंह का दावा है कि वो 1,00,000 वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। राजेश्वर सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश ने। लखनऊ की सबसे हॉट सीट सरोजनी नगर और यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह जो पूरी ताकत झोंके हुए हैं चुनाव प्रचार पर निकले हैं। सरोजनी नगर क्षेत्र में मौजूद हैं। सर अभी आपने कहा कि पूरे देश का सबसे विकसित विधानसभा बनाएंगे, क्या है प्लान? जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं सारी योजनाएं यहाँ पे लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कराई जाएंगी। तो मेरा लक्ष्य है युवाओं को आगे ले जाना, बेटियों को आगे ले जाना। सर लखनऊ में 2 ऐसी सीटें हैं मध्य और सरोजनी नगर जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी टफ माना जा रहा है, क्या स्थिति देख रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रही है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 1,00,000 वोट से चुनाव जीतेगी। यहाँ कोई फाइट नहीं है। समाजवादी पार्टी माफियाओं की पार्टी है, माफियाओं को अपराधियों को जेल से चुनाव लड़ा रही है, जिनके ऊपर 50, 60, 80 मुकदमे हैं। आतिक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी, इस तरह के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का शोषण करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।
इस विचारधारा को जनता ने पहले भी नकारा है और इस बार समाजवादी पार्टी को बिल्कुल मुक्त कर देगी यहाँ से। अभिषेक मिश्रा पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं सीट। कोई नहीं, कहीं कोई फाइट नहीं है, समाजवादी पार्टी कहीं पे भी फाइट में नहीं है। 1 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीट जीतेगी। कार्यकर्ताओं में अपार खुशी है, इस टाइम देखिए कितना प्रसन्न है और यहाँ सब बहुत उत्साहित हैं। तो ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह इस वक्त चुनाव प्रचार पर निकले हुए हैं। देखा जाए तो सरोजनी नगर वो सीट है जहां से मौजूदा विधायक हैं स्वाति सिंह, सरकार में मंत्री हैं, पार्टी ने उनका टिकट काटा, राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया। वीडियो के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।